वर्ष 2016 से मध्य प्रदेश में अनुभूति कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों को पेड़ पौधों, जंगली जानवरों व पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। इसके तहत बच्चों को एक दिन जंगल की सैर करवाकर उनको पेड़ पौधों की प्रत्यक्ष जानकारी दी जाती है। पर्यावरण व जंगली जानवरों के बारे में प्राकृतिक परिवेश में बैठकर समझाया जाता है। बच्चे भी इस अनुभव से खुश दिखाई दिए। कक्षा 9वीं की छात्रा अलीना ने कहा कि अभी तक जंगल किताबों में देखा था, आज पहली बार आंखों से देखा और जाना है। अन्य छात्रा राधिका ने कहा कि इस तरह का यह पहला अनुभव है, काफी पेड़ पौधों को पास से देखा और जानकारी मिली। सिरोंज रेंजर देवेश गौतम कहते हैं कि बच्चों को जंगल फील कराना ही इस कार्यक्रम का मकसद है। सिरोंज SDM हर्षल चौधरी, SDOP उमेश तिवारी, जिला वन अधिकारी ओंकार सिंह मर्सकोल, शिव कुमार भार्गव ने भी उपस्थित बच्चों को पर्यावरण के बारे में जानकारी दी। बहुत अच्छा लगा, जंगल तो किताबों में देखा था मगर आज खुद पहली बार अपनी आंखों से जंगल देखा। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था जिसको हमने बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय किया और सबसे ज़्यादा प्लांट्स के बारे में नॉलेज मिली। और वन विभाग के द्वारा इको टूरिज्म बोर्ड और अन्य संस्थाओं के माध्यम से, वन विभाग की संस्थाओं के माध्यम से कराया जाता है। इसका उद्देश्य है कि हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, भविष्य के नागरिक जो हैं, उनको जंगलों के प्रति जोड़ा जा सके, उसके जंगलों को फील कराया जा सके। सिरोंज से रेवाराम कुशवाहा की रिपोर्ट।